तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस वेक्टर। अगर तुम इसमें देखोगे तो अगर कोई वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, 5i कैप -12j कैप, अगर ये वेक्टर ए है और इसी की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर ए होगा दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर तुम देखोगे ये वाला जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है इस पूरे वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो ये पूरा वेक्टर कितना है, 5i कैप -12j कैप। और अगर मैं इस पूरे के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो 5 का स्क्वायर और +12 का स्क्वायर ये सब कुछ अंडर रूट चला आएगा। तो तुम यहाँ देखोगे तो 5i कैप -12j कैप और यहाँ से 25 + 144, तो 25 और 144 कितना होता है, तो 5i कैप -12j कैप इक्वल टू तो आ जाएगा 169। तो 169 कितना होता है, 13 होता है। तो 5i कैप -12j कैप डिवाइडेड बाई 13, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। मतलब दिस इज़ द यूनिट वेक्टर एलॉन्ग दिस वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो इसी के एलॉन्ग है और जिसकी वैल्यू 1 है। ये जो वेक्टर आया है ए कैप, इसी के एलॉन्ग एक वेक्टर, दिस इज़ द ए कैप, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और इसी के एलॉन्ग, दिस इज द ए कैप वेक्टर। थैंक यू।